अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आउट स्टाइल। आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के व्लॉग में हमने बैठना नहीं है फैसल साहब, आज हम चलेंगे फिरेंगे। और क्योंकि जरा चलते फिरते रहें रमजान में तो अच्छा होता है, क्योंकि वीकनेस बहुत हो जाती है, चले फिरेंगे तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। पहला रोजा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। फैसल साहब आप कैसे हैं? नहीं, आज का रोज़ा हमने यही कोशिश की कि काम शाम करते रहें, इस पे हावी ना करें कि जी आज रोज़ा है और हमें कुछ चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, काम अपना जारी है और काम शाम साथ चल रहा है। और देखिए, आप ये पहले ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का पहला रमज़ान, पहला रोज़ा मेरे साथ। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रमजान की हमारी शॉपिंग। ग्रॉसरी स्टोर जाएंगे, ऑफिस से मुझे इन्होंने पिक किया, वहां से हम गए ग्रॉसरी स्टोर, हमने वहां से ग्रॉसरी की शॉपिंग की। बिल कितना आया उसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी हैरान रह गई थी। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे हमारी पहली सहरी। किधर गया आप? हाँ, पहली सहरी, पहली अफ्तारी विद फैसल एंड मी एंड द बच्चा पार्टी। और आगे बहुत काम है जी, अभी रमज़ान जैसे स्टार्ट हो गया, अभी हमने जाना है, कहाँ जाना है, मलीर वाला काम भी पड़ा सर। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, वो आने वाली वीडियोस में बताएंगे आपको। कुछ महीनों में हाउस शिफ्टिंग भी शुरू होगी, मैं अपने घर में शिफ्ट हो रही हूँ इंशाल्लाह, फैसल का जो घर है। तो अच्छी बात यह कि रमज़ान के फ़ौरन बाद हम उसमें अभी रेनोवेशन शुरू हो रही है इन रमज़ान। और माशाल्लाह इनको जो एफोस की तरफ से घर मिला था, विच इज़ इन मलीर, राइट, एफोस कॉलोनी। तुम चले जाओ बाइक वाले, सारा ब्लॉग ख़राब कर दिया दोबारा से। ओके, तो वो घर की रेनोवेशन होनी है, रमज़ान में होनी है, 2 महीने का टाइम होता है, इसमें सारी रेनोवेशन हमने ख़त्म करनी है और हमने इंशाल्लाह शिफ्ट मैंने हो जाना है अपनी पिया के घर में। सारी रेनोवेशन की प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग मास्टरमाइंड मैंने इनको फ्री हैंड दे दिया। हाँ, जो मर्जी करें। तो बस अब रेनोवेशन की भी आपको चीज़ें दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और साथ में अभी आप देखिए, कितनी प्यारी हवा चल रही है, अभी आप देखिए हमारा पहला रोज़ा कैसा रहा, सहरी, अफ्तारी और बच्चों की थकन। अच्छा जी, अभी नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नादियाज ऑफिस। और तकरीबन घर से मुझे लगते हैं अराउंड 25 मिनट्स मैक्सिमम, अगर ट्रैफिक ठीक हो तो। आई विल ट्राई टू कैच हर ऑन द सेट होपफुली बाय 11:30। शॉपिंग पे जा रहे हैं मैं और फैसल, और हमारा पहला ये रमज़ान शरीफ साथ में है। हर फैमिली के अपने कुछ SOPs होते हैं रमज़ान की शॉपिंग से रिलेटेड, कि क्या हमारी डाइट हो, मुझे नहीं पता क्योंकि पहली दफ़ा मैं इनके साथ रमज़ान गुजार रही हूँ। आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं आप इन्हें? शुक्र करें कि मैंने मेरे साथ रमज़ान गुजारी है, सिंपलेस्ट रमज़ान होता है, कुछ नहीं खाते। अच्छा लग रहा है ना मेरे के। आपने तारी पे क्या खाना है और सहरी पे क्या? पानी, खजूर, तुख मलंगा। अच्छा, तारी पे, अफ्तारी पे या तो मैं खाना खाऊंगा या अफ्तारी करूंगा। ठीक है, अफ्तारी से मतलब ये कि वो जो कन्वेंशनल अफ्तारी होती है जिसके अंदर समोसे नहीं होंगे मेरी मेन्यू पे, मैं नहीं खाऊंगा समोसे, पकौड़े नहीं खाऊंगा मैं, अगर खाऊंगा तो मैं कोई फ्रूट सैलड टाइप, चाट जिसको कहते हैं ना आप, वो मैं ले लूंगा, सिंपल फ्रूट कटा हुआ। मैं छुट्टियों पे उस रमजान में मैंने फैसल को इंप्रेस कर देना अपनी कुकिंग स्किल्स। मैं रोज कुछ बनाना चाहती हूँ, आप उससे मेरी खुशी ना। और दही फुल्की भैया आता है, दही ऑल्टरनेट। लेकिन मैं कुकिंग करूंगी और आपको 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 दिखाऊं। नहीं, तो मुझे अफ्तारी में पसंद है समोसे, चाट, दही बड़े, चाट नहीं, ये बनाने की हद तक ठीक है, खाती नहीं है, खाती कुछ नहीं है। खाऊंगी, खाऊंगी फ्राइड चिकन, अल्लाह हू अकबर, सुशी और
रहेगी, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इट हैज टू बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट. वैसे इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड और बहुत पसंद करते हैं कि कफायत शुआरी हो. मैंने ग्रोसरी शॉपिंग ये मेरी देख चुके हैं और चीखे मार चुके हैं और ये भी होता है कि मैं स्टाफ को पैसे दे देती हूँ, ये ले आओ वो ले आओ, तो इन्होंने कहा नहीं ग्रोसरी हम साथ करेंगे जाके और मेरी नज़र होगी कि तुम क्या क्या शॉपिंग कर रही हो. टनल आ गया, टनल आ गया, अंधेरा हो गया, लाइट आ गई. फैसल और अब हम आ गए हैं यहाँ शॉपिंग करने. फैसल हमारा बजट कितना है, बजट कितना है, कितने की शॉपिंग करनी चाहिए? यार 25,000. 25,000 में रमज़ान की शॉपिंग बिल्कुल नहीं हो सकती. हो सकती है, मैं आज करके दिखाऊंगा, देखते हैं आप. नहीं हो सकती. अच्छा पहले हम लोग गोश्त वगैरह का ऑर्डर दे देते हैं कि साफ़ सुथरा गोश्त मिलेगा यहाँ. लज़ानिया के लिए मटन हम ओके, मटन का आधा आधा किलो यानी एक किलो. चिकन लेनी है भाई, 6 चिकन काट दें 12-12 पीस. अलीजे को ना इतना पसंद है वो नहीं होती फेटा चीज़, उसके समोसे. अच्छा ये बड़े मज़े का ब्रांड है इनका, गोला कबाब, नगेट्स, बर्गर्स मज़े के हैं. तो नया नए ब्रांड्स को चांस देना. बिग बर्ड दो किसका है? एक नहीं नहीं दूसरे वाला समोसा, ये वाला. ये क्या पंजाबी समोसा, ये क्या बिग बर्ड पोटैटो समोसा, ये भी होने चाहिए. एक एक ले लेते हैं. तेल है इसमें, बेसन है, गोश्त ले लिया है. कट इसको कट करें. चक्की का आटा, अच्छा महीने का होना चाहिए भाई. अच्छा लगता है ना माशाल्लाह जब हस्बैंड अच्छी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हो. हाँ रख लें. ख़त्म करना है अपने. अच्छा ये पिए हम संदलीन. इलायची का शरबत कैसा होता है? ये जो हमारी शॉपिंग हुई है आज, इसमें सिर्फ रमज़ान की शॉपिंग नहीं थी, बहुत ही शॉपिंग इलायची. इसकी रमज़ान की शॉपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. ये रमज़ान शॉपिंग है, ये रमज़ान ज्ञान अजान रमज़ान ज्ञान अजान शॉपिंग. और अब ये जो सारी ग्रॉसरी है इस को सही जगह पर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी अलमारियाँ हो इनके अंदर चीज़ें सही तरह से जानी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि सही वक्त पे आपको मिल जाए वो चीज़ें. वरना उस वक्त वो होता है ये मसाला कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो जी. फैसल साहब आप ये इस वक्त सहरी के टाइम पे क्या काम कर रहे हैं? अब अमेरिका यहाँ से तकरीबन जहाँ मैं काम कर रहा हूँ -9 hours है. हाँ. और उनके साथ में मुझे सिंक करना पड़ता है, तो नहीं तो डेली की रूटीन है. आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये आप जो एहतमाम किया है आपने पहले रमज़ान में मेरे लिए, ये मैं अच्छा मैं सहरी इतने प्यार से ये जो है ना मैं ये बनवा के लाई उनके लिए कि भाई सहरी करें कुछ जान आए, और इन्होंने अब ये नहीं खा रहे. फैसल ये नहीं खा रहे हैं, और फैसल ने कहा कि नहीं आप मेरे साथ ये करेंगी सहरी. ये मेरी सहरी है जी, मेरी सिंपल सहरी. नुटेला तो नहीं खा रहे, नुटेला के अंदर कुछ है ये कहेंगे वाह. शकूर भाई ने डाल दिया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज तुख मलंगा. तुख मलंगा ओके. अब मुझे बताएं ये होती है ना सहरी पराठा होता है, अंडा फ्राई होता है, थोड़ा सा खा लेते. नहीं 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 या पहले या पकड़े अपनी सहरी करने से पहले कि आप से ना काबले बर्दाश्त हो जाए पीने से, ये लें जल्दी से, एक सांस से पीनी आप जल्दी. क्या आपने ये कैसे कोई पिए सहरी पे? सिंपल पानी में तो मलंगा, इसमें से कोई रॉकेट साइंस? मेरे साथ ही आप. अच्छा मैं पीता, मैं एक मिनट ठहर जाना, मैंने जल्दी जल्दी हाँ घुमाती जाए, पीती जाए. आँखें बंद लंबा सांस खेलें. आप नहीं पी सकिए, आप जैसे नए लोग नहीं पी सकते ये.
इससे होगा क्या? इससे होगा सेहत होगी, आराम होगा। ये ठीक है, ये सहरी है, ये क्या बात हुई? कौन सी सहरी है भाई ऐसी? पहले कमजोर हो गई हूँ, देखिए जरा मेरी। वेरी गुड, अच्छा बच्चा, चलो शॉट, गुड 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 गुड। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। चलो 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 चलो, जल्दी खोल लीजिए, पी जाए आप ही। आके मन लंबा सा घूम। इसमें कितने चम्मच आपने तो फुलंगा मिलाया? क्वार्टर क्वार्टर तो नहीं है, शहरी में पराठा ना, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, हम आपको ये बता रहे हैं कि जितनी भी हेल्थ वेल्थ की बात कर ले, एक अपना रमजान में एक अपना कल्चर है पराठों का, समोसों का, दही बड़ों का, तो हम हेल्दी ऑप्शंस भी रखेंगे, लेकिन साथ में उफ, ये मस्टर्ड इतने मजे के शको और भाई के पराठे अगर आपने नहीं खाए हैं तो आपने कुछ भी नहीं खाया। मैंने नीचे बच्चों के साथ सेरी करनी है, काम मेरे चलता रहेगा। अच्छा, बच्चे असल में पढ़े हैं। अलीजा ने सेरी पे पता क्या ले लिया? अलीजा ले लिया उसने दलिया पॉरेज विद फ्रूट, वो खा लिया। अजान जो है आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिरयानी खा रहा है सहरी में। अच्छा, केला खा रहे हैं आप? इसके बाद हम खाएंगे एप्पल। आज नहीं, कल से एप्पल भी नहीं खाना। ओह माय गॉड, रोजा होगा तकरीबन कितने घंटे का? 14 आवर्स, तकरीबन 14 आवर्स का यहाँ रोजा है। जो हानी हमारा बेटा यूएस में, उसका रोजा तो 16 घंटे होगा, 16 घंटे का उसका रोजा है। 9:50 पे खुल रहा है शाम के 8:50। कैसे ला रहे? थोड़ा सा टाइम रह गया है, जल्दी करें, दांत ब्रश करें, नमाज पढ़नी है। ये पेंसिल का टूथब्रश पिंक हार्ड वाला हार्ड, ये अपनी साइड पे जाएं, अपनी साइड पे। अच्छा, इतना ज्यादा पिंक प्लेस ले लो, ऐसे क्यों ये इंतहा होती है? ये मेरा वाला टूथब्रश। चलो, कमेंट्स में कह रहे हैं नादिया आप लोग तो बाथरूम में के क्या करना है आपने? आप निकल कर फेल से किधर देखो ना, होता है राउंड मूवमेंट होती है जो ऐसे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे राउंड। पापा शू, सारे काम पापा कराए, पापा शू। हाँ जी, तो आपने माशाल्लाह पहले रोजे की पहली नमाज पढ़ी फैसल, तो पहली ही तीसरी नमाज पढ़ी, सॉरी तीसरी नमाज पढ़ी, असर का है टाइम। मामा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नमाज आई है तुम्हें? आज से सजदा, नमाज पढ़नी है, सजदा किया अपने लिए। हाँ बाबा, क्या नमाज पढ़ी है? टेल मी, ये क्या? और यहाँ मैं, मेरा अभी एक्शन शुरू होने वाला है, तकरीबन 4:30 मैं एक्शन में आ जाऊंगी। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और पहला रोजा कैसा लग रहा है अभी हम आपको बताते हैं। नार्निया ना, नार्निया की कबड़ है, वैसे सुने पहला रोजा मेरे चेहरे पे कितना रूप आया है माशाल्लाह। फैसल साहब अपना रोजा कैसे गुजार रहे हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, क्या कर रहे थे आप? जी हाँ, आपके किए हुए सफाइयाँ भी चल रही हैं, घर के काम भी हो रहे हैं, पूरे बैग सेट किए हैं जो मैं वापस आया हूँ वहाँ से, दुबई से आने के बाद। आपको पता है ना, ये रेस्ट करना चाहिए, सही चाहिए, जो चीज जिस वक्त जान ना मिले ना उसका कोई फायदा नहीं।
बिल्कुल सही है, क्या बात है। जो पहले रोजे में अभी इन्होंने अलमारियां खोल के सारे सूटकेस निकाल के सही करके पहले अपना ऑफिस का काम किया, फिर सूटकेस का काम किया, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप तकरीबन बज रहे हैं अभी इस वक्त, और फिर बेगम के हाथ का बनाया हुआ सादा पानी का गिलास और तीन खजूर है। मैं तो बेस्ट हूँ उसमें। क्या हुआ बैग को, क्या हुआ? क्या तुम्हें रोजा लग रहा है? क्या आपको रोजा लग रहा है? हाँ कह रहा हूँ। एक तो सबको ना क्या ने थकाया हुआ है, स्कूल चल रहा है। हाँ जी क्या ABCD? क्या ABCD? क्या तुम्हारा ABCD? ABCD तो है। क्या बिस्किट खाना है? जेली। हर वक्त हर वीडियो में कुछ खा रहा होता है क्या? ABCD। अच्छा ये ABCD जेली। आई मिस जिंदगी। खाना जाऊं मैं बबरू? नम नम ही चाहिए। कहते ABCD जेली। अच्छा मेरा एक्शन शुरू होगा 4:30। वैसे वाकई मेरे चेहरे पे रूप आया, मैं मान ले आ विदाउट मेकअप मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। आप तो बस ना ही पूछ ले। अलीजे क्या कर रही है? अलीजे लेट्स चेक आउट अलीजे। अलीजे हाय बेटा, यू लुक ब्यूटीफुल। तुम तो कभी खुशी ना होना ना हसीना। Books and books. क्या खा रही? बताओ लीजिए बेटा, आपका एग्जाम भी चल रहा है सारा रोजे में, हाउ यू आर मैनेजिंग? आर यू ओके? रोजा तो नहीं बहुत लग रहा? लग रहा है ना? पहला रोजा लगता है ना? अच्छा व्हाट डू वांट फॉर इफ्तारी? समोसा एंड चाट। ठीक, समोसा जो कि आज नहीं है लेकिन बड़ी मजे की और चीजें बन रही हैं। ठीक है, साथ में तुख मलंगा अंदर। तुख मलंगा, और तो मेरी हमेशा तबीयत खराब होती है। मुझे सबसे ज्यादा अजान की ऑनेस्टली फिक्र हुई भी है क्योंकि इसका ऑनलाइन स्कूल भी है, इसकी एक्स्ट्रा क्लास भी होती है। बेबी हाउ आर यू? एक सेकंड में लाइट ऑन करो। नाउ आई कैन सी यू। अजान, अजान रोजा लग रहा है? अभी बेटा 5 बज गए हैं, बस 2 घंटे और। अच्छा ओके, अजान आपको रोजे में क्या इफ्तारी में चाहिए? बिरयानी। अरे हटाओ ना, इतनी क्यों? उसका फेवरेट ब्लैंकी ना, छोटे बच्चों का होता है ब्लैंकी, एक इसका होता है। बताओ ना, बिरयानी यू वांट एंड बिरयानी एंड नगेट्स? एंड नगेट्स तो तुम्हें नहीं मिल रहे, और बताओ। आपको बिरयानी का मैंने कह दिया था। अच्छा और बताओ मुझे कुछ सेंसिबल चीज़ बताओ। पकौड़ा। हैव यू एवर ट्राइड पकौड़ा? आपने कभी तो खाए नहीं, आज खा लो। अजान अजान प्लीज हैव 1 पकौड़ा टुडे, बहुत मज़े का होता है। ओके ओके, समोसा खाना है मेरे बच्चे ने? फ्रूट अजान ने कभी नहीं लाइफ में खाया। ही प्यूक्स इफ ही एवर इंसिस्ट। पता नहीं क्या तुम्हें क्या होता है फ्रूट खा के? जलन। जलन। अच्छा सहरी पे आपने क्या खाना है? आई वांट नूडल्स, बिरयानी, नगेट्स। ख्वाबों में बेटा, ख्यालों में। फैसल सुने, मुझे बताएं, ये अजान तो हर अनहेल्दी चीज़ की फरमाइश कर रहा है। ये मैं अच्छी माँ होंगी तो मैं उसको नहीं लेके दूंगी, और अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं बुरी माँ बन जाती हूँ। मैं क्या करूँ? क्या कह रहा? नगेट्स मैंने खाने हैं, मैंने पेप्सी पीनी है। मौलवी साहब पढ़ा के गए है ना? मुझे बस अजान की टेंशन हो रही थी। हम सब सोए हैं, देर से उठे हैं, ये बच्चा सहरी भी इसने की है। और सुबह कितने बजे उठे थे अजान? हाँ 9।
हमारी ऑनलाइन क्लास लेट की है तुमने बेटा। खैर ऑनलाइन क्लासेस इसने की हैं, बच्चे ने एक्स्ट्रा क्लास की है, सारा कुछ, इसको बहुत भूख लग रही होगी। घंटा सो जाओ, सो भी नहीं रहा। चलो आफ्टर अफ्तारी तुम सोगे लंबा, ठीक है? फिर लंबा सोने में तुम्हें सहरी पे उठाऊंगी। अच्छा कह रहे हैं मैंने अफ्तारी में बिरयानी खानी है, मैंने सहरी में बिरयानी खानी है। अरे रोजा तो नहीं लग रहा, हमारा कल एग्जाम है किस चीज का? मॉक्स हो रहे हैं। कप उठाओ बेड के ऊपर से। ओह माय गॉड लुक एट दैट, आई हैव एविडेंस। लॉ पढ़ी ना, लॉ में एविडेंस काउंट करता है। उठाओ ये कप, बेड पे नहीं रखना। सब बच्चों का यही हाल है कि कर जाऊं मैं। ओके अब मेरा टाइम शुरू हो रहा है 6:50 समथिंग पे अफ्तारी है, तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30, मतलब डेढ़ घंटा पहले फिर मैं एक्शन में आ जाती हूँ। ओके एक बात ये है कि आई ऑलवेज फील कि जब आप वर्किंग वूमन होते हैं तो आपके पास हेल्प होनी चाहिए, और मैं कुछ बहुत ज़्यादा खाने पकाने वकाने में इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, काम करती रही हूँ सारी ज़िंदगी, तो दोनों काम उसे मैनेज ना होते, इसलिए आई ऑलवेज हैड गुड हेल्प, हमेशा अच्छी हेल्प रखी है, हमेशा अच्छे हेल्पर्स रखे हैं घर में ताकि घर सही तरह चल सके, बच्चों के लिए, किचन में, क्लीनिंग के लिए, स्टाफ में साथ हमेशा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, एंड दैट इज़ हेल्प मी बिकॉज इसी वजह से मैं काम कर सकती हूँ, वरना तो मैं मुश्किल हो जाता काम करना। तो अभी भी मेरे पास स्टाफ है और माशाल्लाह दे आर वेरी वेरी नाइस, लेकिन रमज़ान में मैं खुद वाहिद टाइम होता है कि जब मैं खुद भी किचन में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। बज रहे हैं और तो रोज़ा ज़्यादा, फैसल साहब को ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, क्या वजह है? हाँ भाई नहीं निकालो टुमी, नो टुमी, क्या बाबू जी बाबा सिंह, नो टुमी, टिक्के बैठता ही नहीं, पैरों में पहिए लगे हैं। पापा के पास जाना है, क्या क्या डुमी निकालो, पापा सिंह नो डुमी, पापा सिंह नो डुमी। हाय सीधा बैठो, सीधा बैठो, स्ट्रेट सिट, स्ट्रेट प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं करो, पर्सनल लाइफ मॉम, ये पर्सनल लाइफ। ज्ञान का बन रहा है, बन गया मेरा, बस ज्यादा नहीं पकाना, ज्यादा नहीं पकाना, नरम नरम, बस हल्का फ्रेंच टोस्ट है इसका, बिल्कुल सही है, बस सही है, नरम नरम, थोड़े से और। इसमें थोड़ी सी मैं दही बड़ों में क्रीम डाल रही हूँ, हाँ हाँ थोड़ी सी डालती है। अच्छा आई एम विद द मास्टर ऑफ दही बड़ास, पीएचडी इन दही बड़ास। ये एक ही खुलेगा, ये ना दूसरा पैकेट खुल जाए। राइस पाउडर डाल दी हूँ सो द पॉडास कम आउट क्रिस्पी, वन बिग स्पून। क्या घर में क्या की ना मर्चा बाजी होती है,
में ज्यादा नहीं पसे, उसके दही के अंदर ही डाल देना रायते के। ओके अफतारी, सिंपल वाली अफतारी इज सेट। अजान की फेवरेट बिरयानी सिंपल वाली। हां सिंपल वाली बिरयानी। लीजिए बेटा पानी दो आप को जल्दी से। हम ठंडा पानी आप लेंगे या गर्म? मैंने वीडियो में बनाने में लेट हो गई क्योंकि पकौड़े मेरे चल रहे हैं। चल ही नहीं, हाँ नहीं खोलना चाहिए। पानी पियो जान, पानी बिल्कुल। पहला रोजा था तो मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ। हाँ अरे ये देखिए ये पकौड़े चेक करें जो मैंने बनाए, क्रिस्पी पकौड़ेस। ये हटा दो लीजिए। ये क्या हो रहा है? आपको रमजान ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। गिव अस अ थम्स अप, लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल आउटस्टाइल। और बस कुछ नहीं कहना था जो आपने कह दिया। को रोजा लग रहा है आज बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं इसकी एक और वजह जो मैं आपको बजा था। खुदा हाफिज़ एंड रमजान करीम।